सीई सिंस। ये काय के लिए प्रयोग होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि निश्चित समय हो तब आप सिंस लगाइए, अनिश्चित समय हो तो फॉर लगाइए। तो भैया आपको बता दूं, समय को आप नहीं बता सकते कि कब निश्चित है और कब अनिश्चित है। समय अनंत है, हम इसकी निश्चितता और अनिश्चितता को नहीं प्रकट कर सकते। हम इसके बिंदु और इसकी अवधि को जरूर बता सकते हैं। क्लियर है? तो आज से ये कहना बंद कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए नहीं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। आज हमारे स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स का 14वां दिन है और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको एक्टिव और पैसिव से परिचित कराऊंगा। चलिए एक्टिव पैसिव से परिचित होने के पहले हमें टेंस को भी देखना है। सबसे पहले हम टेंस देखेंगे, फिर हम चलेंगे एक्टिव और पैसिव की तरफ कि एक्टिव और पैसिव क्यों बनाए गए, क्या इनका मतलब होता है। जब तक कि आपको टेंस नहीं मालूम होंगे तब तक आप एक्टिव और पैसिव को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए जल्दी से हम चलते हैं टेंस पर। ठीक है, चलिए हम देखते हैं टेंस क्या है। सबसे पहले टेंस शुरू करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं जो मैंने शायद आपको सेकेंड वीडियो में बताई थी, एक्शन और एक्शनलेस। एक्शन का अर्थ होता है कार्य, और एक्शन जब भी होगा तब वहाँ पर वर्ब की जो हमारी चार अवस्थाएं हैं वो प्रयोग होंगी। अगर वाक्य में एक्शन नहीं होगा तो वर्ब की चारों अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था का प्रयोग नहीं होगा। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि यह पेन है, अब यह पेन है जो हिंदी का वाक्य है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि यह पेन है, तो इसको हम एक्शनलेस सेंटेंस का उपयोग करके यूज करेंगे और इसे कहेंगे दिस इज एक्शनलेस। क्या है आप सेकंड वीडियो में देखिए, सेकंड देखिए, यह पेन है, दिस इज पेन। अब मैंने अगला सेंटेंस बोला उस पर ध्यान रखना, मैंने कहा मैं पेन से लिखता हूँ, अब लिखने का कार्य मैं कर रहा हूँ, यानी अब इस वाक्य में एक्शन आ रहा है। इस वाक्य को अब मैं चार तरीके से बोलता हूँ, मैं पेन से लिखता हूँ, मैंने पेन से लिखा, मैं पेन से लिख रहा हूँ और मैंने पेन से लिख लिया है, और मैं सुबह से पेन से लिख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ लिखना एक एक्शन आया है जिसे चार तरीके से दर्शाया जा रहा है। मैं लिखता हूँ पेन से, आई राइट विद द पेन, मैंने पेन से लिखा, आई रोट विद द पेन, मैं पेन से लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग विद द पेन, और मैं सुबह से पेन से लिख रहा हूँ, आई हैव बीन राइटिंग विद द पेन सिंस मॉर्निंग। अब आपके दिमाग में यही चलता है ये सिंस क्या है, ये फॉर क्या है, ये टेंस क्या है, सारी दिक्कतें आज दूर हो जाएंगी। सबसे पहले आप देखिए कि वाक्य में एक्शन हो, तो एक्शन होता है तो उसमें दो चीज़ें आपको मिलेंगी, टाइम और टेंस, टाइम और वर्ब। पूरे वाक्य जो होते हैं हिंदी के, अंग्रेजी के, किसी भी भाषा के, वो दो चीज़ों पर पूरे फोकस करके, नोटिस करके ट्रांसलेट किए जाते हैं, और वो दो चीज़ें हैं टाइम और टेंस। क्लियर है? टाइम और टेंस को आपको मायने रखना है और टाइम और टेंस से ही आपको सारी चीज़ों को समझना है। टाइम और टेंस, और इसी को हम कहते हैं वर्ब का यूज़। तो कोई आपसे पूछे टेंस की परिभाषा क्या है तो आप टेंस को समय मत कहिए, क्योंकि कई बार समय टेंस से, काल से, हम फ्यूचर की बात को भी कह सकते हैं। टेंस क्या है? टेंस मूड ऑफ द वर्ब है। टेंस क्या है? मूड ऑफ द वर्ब है जो एक टाइम के साथ चलता है। क्लियर? मूड ऑफ द वर्ब तो हमारे मॉडल्स ही बताते हैं, लेकिन टेंस जो है मूड ऑफ द वर्ब है जो किसी भी कार्य को समय के अनुसार बताता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं टेंस होते क्या है। टेंस वर्तमान समय, समय प्रेजेंट में होता है, पास्ट में होता है और फ्यूचर में होता है। तीन समय हमारे पास होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है? प्रेजेंट। मैंने कल पढ़ाया था, ये क्या हो गया? पास्ट। और मैं कल भी क्लास पढ़ाऊंगा, तो ये क्या हो गया? फ्यूचर। यानी हम तीन तरह से अपनी पढ़ाने वाली बातों को बोल रहे हैं, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाया था और पढ़ाऊंगा। तो ये कौन से ऐसे हिंट्स हैं जो हमें बता देते हैं कि कोई भी टेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का, फ्यूचर का? तो वो हिंदी के है, हूँ, हो शब्द है प्रेजेंट के लिए, था, थी, थे शब्दों से बोध हो जाता है हमें पास्ट का, और गा, गी, घी जैसे ही वाक्य में जुड़ता है तो वो फ्यूचर का बोध करा देता है। तो सबसे पहले समय जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में होता है। अब क्या होता है? अब ये जो समय है, ये तीनों समय जो है, ये चार अवस्थाएँ जो होती हैं उनमें
काम करते हैं, और वो अवस्था क्या है? पहली अवस्था है इनडेफिनेट, इसी को सिंपल कहते हैं। दूसरी अवस्था कॉन्टिन्यूस, तीसरी अवस्था है परफेक्ट, और चौथी अवस्था है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी ये तीनों समय जो है इन चार अवस्थाओं में व्यक्त किए जाते हैं। अगर हम इनका गुणा कर दें तो टेंस हो जाते हैं 12। लेकिन अब आप टेंस पढ़ेंगे क्या? 18। क्या कितने पढ़ेंगे आप? 18 टेंस पढ़ेंगे, 12 तो ये है, 6 कौन से? ये आपको आगे पता चलेगा, वीडियो देखते रहिए। आज टेंस की सारे कॉन्सेप्शन को क्लियर कर दूंगा मैं, और आपको कभी समस्या नहीं होगी टेंस को बताने और ट्रांसलेट करने में वाक्य को। तो ये हमने जान लिया कि टेंस तीन होते हैं, उनकी अवस्थाएं चार होती हैं। इनडेफिनिट पढ़ना है, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं पहली अवस्था, प्रेजेंट इनडेफिनिट या सिंपल। तो जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो कई प्रकार की उपयोग के लिए बनाया गया था, कि इससे कई प्रकार की बातों को कहा जाएगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के सारे यूज वीडियो नंबर 3 और वीडियो नंबर 4 में दिए हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल आप टेंस पर फोकस करेंगे। प्रेजेंट इनडेफिनिट या सिंपल टेंस का एक सामान्य सा स्ट्रक्चर होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी भी वाक्य की सामान्य जरूरत होते हैं। हर वाक्य में आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिलेगा ही, क्लियर है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर नाउन और प्रोनाउन आते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। बस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम बीच में रखेंगे तो हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट तैयार हो जाएगा। ठीक, क्या बताता है ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस हमको? प्रेजेंट इनडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हम सारा कुछ बता चुके हैं वीडियो नंबर 3 और 4 में, एक्सप्लेनेशन में किसी चीज़ को व्यक्त करने में। जैसे मैंने कहा ये पेन है, दिस इज पेन, आई राइट विद द पेन, आई कीप द पेन इन माई पॉकेट एंड आई शाइन द पेपर बाय द पेन। यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने में, डेली रूटीन को बताने में, न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर की हेडिंग को लिखने में, और इमोशंस और फीलिंग को व्यक्त करने में, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कहाँ पर? वीडियो नंबर 3 और 4 में। इतनी चीज़ों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है, क्लियर है? अब हिंदी के कौन से वाक्य? हिंदी के वे वाक्य जो ता है, ती है, ते है शब्द पर खत्म होते हैं, ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में हम निम्न संरचना से ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने आपको वीडियो नंबर 3 और 4 में जो पढ़ाया था, आप उसको नाम दे दीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हम लगाते हैं, किन मकसद के लिए? ता है, ती है, ते है के लिए। लेकिन ध्यान रखना केवल उन्हीं वाक्यों में जिनमें एक्शन हो। जैसे मैंने कहा कि कबूतर उड़ते हैं, तो ये वाक्य एक्शन का है, कबूतर सफ़ेद होते हैं, यह वाक्य ती है पर जरूर खत्म है, लेकिन इसमें एक्शन नहीं है, कबूतर सफ़ेद होते हैं, हम उन कबूतर के बारे में बता रहे हैं, उनकी जानकारी दे रहे हैं। तो द पिजन्स, पिजन्स यानी कबूतर होते हैं, पिजन्स आर वाइट, ये एक्शन लेस है, लेकिन कबूतर उड़ते हैं तो पिजन्स फ्लाई इन द स्काई, पिजन्स फ्लाई इन द स्काई मतलब कबूतर आकाश में उड़ते हैं। ध्यान देना इस बात को कि ता है, ती है, ते है पर खत्म होने वाला हर वाक्य वर्ब उसके फर्स्ट फॉर्म से नहीं बनता, इज एम आर से भी बनता है। कब? जब उसमें एक्शन नहीं होता। एक्शन होता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनता है, क्लियर हो गई ये बात? राम एक पत्र लिखता है तो राम राइट अ लेटर, राम राइट अ लेटर। तो यहाँ राइट्स क्यों लिखा? इसलिए लिखा है क्योंकि एक वचन संज्ञाओं के साथ हम वर्ब के एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। ये मैंने आप सारा कुछ आपको वीडियो नंबर 3 तीसरे दिन के 4 दिन में बताया था। अगर करता ही सी एट हो तो हम वर्ब में एस ईएस लगा देते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, क्लियर है? यदि वर्ब का कर्ता ही सी एट और सिंगुलर नंबर नाउन हो तो हम उसका नेगेटिव डज नॉट से बनाते हैं। कोई भी वाक्य जो होता है उसके दो फॉर्म होते हैं, एक नेगेटिव फॉर्म और एक फॉर्म होता है पॉजिटिव इंटरोगेटिव फॉर्म। जैसे 1 रुपए का सिक्का होता है उसमें चित्रपट होते हैं, वैसे ही वाक्य भी होता है, एक तरफ होता है पॉजिटिव, दूसरी तरफ होता है नेगेटिव, और एक और फॉर्म होता है वो कहलाता है इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। तो जब भी हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का नेगेटिव बनाना है तो हमें ही सी इट के साथ, ये सब मैंने पढ़ा दिया इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, डज नॉट लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है, क्लियर है? सब्जेक्ट तो ये हमने अभी आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ध्यान दीजिए दूसरा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पूरा वीडियो, पूरा का पूरा वीडियो ये 4th दिन के आपको वीडियो में मिलेगा, वर्ब के सॉरी 3rd दिन के फॉर्म में मिलेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? तो पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट जब हम लगा देते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट
या पास्ट सिंपल टेंस के नाम से हम उसको पुकारते हैं। ये टेंस का प्रयोग होता है, देखिए ये प्रयोग होता है, इसका प्रयोग हम कब कब करते हैं, तो जब भी हमें पास्ट इवेंट्स दर्शाने हो, क्या दर्शाने हो, पास्ट इवेंट्स दर्शाने हो, पास्ट इवेंट्स है ना बीता हुआ, ठीक है, कोई रिपोर्ट लिखना हो, है ना, कोई हमें स्टोरी लिखना हो, ठीक, बोर्ड सही काम नहीं कर रहा, सॉरी, जब भी हमें क्या लिखना हो, स्टोरी राइटिंग करना हो, तब हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं, पास्ट इवेंट बताने में, रिपोर्ट राइटिंग लिखने में, स्टोरी लिखने में। अब इनको पहचानते कैसे हिंदी में, तो ये मैंने आपको तीसरे दिन के वीडियो में सब कुछ बताया है, यहाँ आप कैसे पहचानेंगे, मैंने वहाँ नाम नहीं लिया था पास्ट इंडेफिनिट का, बस उसे नी वाली मेथड लिया आई पर, जैसे मैंने कहा कि मैंने आम खाया, तो मैंने आई लिखा और इसके बाद क्या लिखा एट, और एट के बाद क्या लिख दिया मैंगो। ये देखिए अगर मैं आई एट मैंगो लिखता हूँ तो इसका अर्थ है क्या कि मैंने आम खाया, और अगर मैं लिख देता हूँ आई ईट मैंगो तो इसका अर्थ हो जाता है मैं आम खाता हूँ। इतना असर पड़ता है वर्ब की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म जब चेंज होते हैं तो उनका क्या असर पड़ता है, बस इस पर फोकस करो, आई और मैंगो पर मत करो, मतलब कहने का मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर फोकस नहीं, पूरा फोकस वर्ब के फॉर्म पर करना है, ठीक है। अगर इसको नेगेटिव बनाना कि मैंने आम नहीं खाया तो कुछ नहीं, हम इसमें क्या लगा देंगे, हम डिड नॉट का यूज कर देंगे, क्लियर है, ये डिड नॉट का यूज कर देंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को वापस ले आएंगे और अब लिख देंगे हम क्या कि मैंने आम नहीं खाया, तो अब वाक्य हो जाएगा आई डिड नॉट ईट अ मैंगो। अगर मुझे कहना क्या मैंने आम खाया तो मैं कहाँ से शुरू करूँगा, डिड से, डिड आई और अंदर जो है फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है, डिड आई ईट मैंगो और फुल स्टॉप लगाकर क्वेश्चन का साइन। तो ये पॉजिटिव फॉर्म है, ये हमारा कौन सा फॉर्म है, ये पॉजिटिव फॉर्म है, ये नेगेटिव फॉर्म है, इंटरोगेटिव फॉर्म है, तो वाक्य जो है वो तीन प्लेटफॉर्म पे चलता रहता है, पॉजिटिव प्लेटफॉर्म पर, नेगेटिव प्लेटफॉर्म पर और इंटरोगेटिव प्लेटफॉर्म पर। तो ये पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस होता है, इसको देखने के लिए आप वीडियो नंबर थ्री का देखें। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का, ये मैंने नेगेटिव बताया, अब बात आती है आपके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की। तीसरी अवस्था होती है कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है, ऐसा टेंस जिसमें हम रनिंग एक्टिविटीज़ को बताते हैं, जो एक्टिविटीज़ को प्रदर्शित करता है उसको हम बता कहते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें कोई कार्य क्या होता है कि शुरू जो है चल रहा होता है, ठीक है, और उसमें एक्टिविटी होती रहती है, ऐसे टेंस को हम कॉन्टिन्यूस टेंस से बताते हैं, इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग होता है, तीनों में, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, कॉमन लिखा है मैंने तीनों को, देखो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्यों लिखा, क्योंकि इसमें देखिए कुछ चीज़ें कॉमन है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को हेड से क्यों किया, क्योंकि यही बदलना है और आपका वाक्य कॉन्टिन्यूस के हर टेंस में बदल जाएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगाइए और आप अपने कॉन्टिन्यूस टेंस को बनाइए। हिंदी में कैसे पता करते हैं, हिंदी में पता करने के लिए कुछ नहीं, जितने वाक्य रहा रही रही पर खत्म हो जाए आप समझ जाइए कि इनमें कॉन्टिन्यूस टेंस है, लेकिन ध्यान दें उनमें समय ना जुड़ा हो से। जैसे मैंने कहा कि मैं सो रहा हूँ या कल्लू सो रहा है, ठीक है, कल्लू की बात फिर कर लेते हैं, कल्लू सो रहा है, तो कल्लू सो रहा है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कल्लू, ठीक है, और अब कल्लू क्या है एक वचन, तो इस, और फिर क्या लिख देंगे स्लीपिंग, तो कल्लू सो रहा है कि अंग्रेजी हुई कल्लू इज स्लीपिंग, क्लियर है। अगर मुझे कह रहा है कल्लू सो रहा था तो मुझे कुछ नहीं, यहाँ इस की जगह क्या कह देना वाज, वाज, और यहाँ कल्लू सो रहा होगा तो मैं यहाँ पर ठीक बिल भी लगाकर अपना वाक्य बना सकता हूँ, कल्लू इज स्लीपिंग मतलब कल्लू सो रहा है, कल्लू वॉज स्लीपिंग यानी कल्लू सो रहा था, और कल्लू बिल भी स्लीपिंग यानी कल्लू सो रहा होगा। इतनी आसानी से हम तीनों कॉन्टिन्यूस टेंस को बना सकते हैं। क्या कैसे पहचानते हैं ये भी आप ध्यान रखिए, क्या आएगा रहा, सॉरी रहा है ना, रही लड़की के लिए रही आता है ना, और रही आता है बहुत सारे लोगों के लिए, तो ये तीनों को याद रखना, रहा रही रहे शब्द मिले यदि है हुओं के साथ मिले तो प्रेजेंट है, था थी के साथ मिले तो पास्ट है, यदि फ्यूचर के साथ मिलेंगे तो होगा होगी लगा रहेगा इनके आगे, तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। कॉन्टिन्यूस टेंस में याद रखने वाली बात क्या है, आप ये सहायक क्रियाएं याद रखिए, पूरे सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब्स है कॉन्टिन्यूस की, इज एम आर वॉज वर और विल बी, इज एम आर वॉज वर और विल बी, जैसे टेंस बदले उनको बदलते जाइए और लिखते जाइए, और खूब सारे वाक्य आप रहा रही वाले
बना लीजिए। जैसे आपको पिक्चर राइटिंग आती है 10th क्लास में, 10th क्लास में पिक्चर राइटिंग आती है, आपको पिक्चर बनी है, मान लीजिए मैं एक पिक्चर बना देता हूँ, ठीक है, चलिए यहाँ पर एक पिक्चर बना देता हूँ, है ना, एक ऐसे ही, ठीक है, ये देखो, यहाँ पर एक छोटी सी मैंने पिक्चर बना दी। अब मैंने इसको, इसके बारे में मुझे लिखना है, तो मैं क्या कहूँगा कि मैं शायद हिंदी में ये कहूँगा कि सूर्य निकल रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, इस पिक्चर में एक सूर्य है जो चमक रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं। तो ये बातें हम जो है पिक्चर राइटिंग की कैसे लिखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, उस एक्टिविटी को दर्शाने के लिए हम कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे पक्षी उड़ रहा है तो द वर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, सूर्य निकल रहा है, यानी द सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, और सूर्य जो है वो पूर्व से निकल रहा है। तो इस प्रकार से पिक्चर राइटिंग में भी कंटीन्यूअस टेंस का ज़्यादातर प्रयोग होता है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, एक कंडीशन मैं आपको बताता हूँ आगे चल के, सॉरी, ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि यदि रहा रही शब्द क्रियाओं के साथ जुड़े रहे, यदि रहा रही शब्द क्रियाओं के साथ जुड़े रहे, तो आपको जो अभी पिछला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज एम आर आई एन जी ऑब्जेक्ट या वॉज वर या विल भी लगाना है। लेकिन ऐसे वाक्य आपको मिलते हैं जिनमें रहा रही तो आता है लेकिन मुंह की क्रिया नहीं आती। जैसे मैंने कहा कि मैं इस स्कूल में टीचर रहा हूं, इसका टच इंप्रेशन बोर्ड का थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसलिए यहां कुछ गलत हो तो सुधार लीजिएगा। मैं इस स्कूल में टीचर रहा हूं, है ना, तो यहां पर ये देखिए, ये वाक्य काय पर खत्म हुआ है, रहा हूं पर खत्म हुआ है। अब आपको लगता है कि सारे रहा रही वाले वाक्य जो है हिंदी से बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब उनमें एक्शन हो, एक्शन यानी कार्य हो, लेकिन देखिए रहा हूं के आगे क्या लिखा, टीचर, और टीचर एक एक्शन यानी कार्य या वर्ब नहीं है, एक नाउन है। तो ऐसे सेंटेंसेस आप पकड़ करके हैज बीन और हैव बीन से ट्रांसलेट किया करें। कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हैज बीन और हैव बीन से। जैसे मैं इस स्कूल में टीचर रहा हूं तो आई, ठीक है, आई के साथ क्या लगा दिया, हैव, और फिर क्या लगा दिया, बीन, और फिर अ टीचर, आई हैव बीन अ टीचर इन दिस स्कूल, ठीक है, मैं इस स्कूल में टीचर रहा हूं, ये आसानी से हम लिख देंगे। क्लियर है? ये तो हमारा वाक्य हो गया, आई हैव बीन टीचर इन दिस स्कूल, मैं इस स्कूल में टीचर रहा हूं, और मैं इस स्कूल में पढ़ा रहा हूं, मैं इस स्कूल में पढ़ा रहा हूं, रहा हूं के आगे क्या आ रहा है, पढ़ा रहा, वर्ब आ रही है, तो फिर हम आई एन जी से बनाएंगे, आई एम टीचिंग इन दिस स्कूल। जैसे यह हमारे विद्यालय का सबसे होनहार विद्यार्थी रहा है, या कल्लू हमारे विद्यालय का होनहार विद्यार्थी रहा है, तो कल्लू हैज बीन, कोई कारण ही बता रहे हैं, कल्लू हैज बीन अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ माय स्कूल, तो मेरे स्कूल का कल्लू एक होनहार विद्यार्थी रहा है, और मैंने कहा कल्लू इस स्कूल में पढ़ रहा है। अब कल्लू इस स्कूल में पढ़ रहा है कि आगे क्या रहा, पढ़ना, तो हमें अब आई एन जी से वाक्य बनाना है, हैज बीन हैव बीन से नहीं बनाना, ये कंटिन्यूस टेंस नहीं है, लेकिन मैंने रहा रही रही वाली समस्या को आपको यहाँ सुलझा दिया है। क्लियर है? तो अगर मैं कहता हूँ कल्लू इस स्कूल में पढ़ रहा है, तो कल्लू इज स्टडिंग इन दिस स्कूल, इतना आसानी से हम लिख देंगे। जैसे मैं परेशान रहा हूँ दो दिन परेशान रहा हूँ, अब रहा हूँ आगे देखिए क्या लिखा है, परेशान एक वर्ब नहीं है, परेशान होना वर्ब है। जैसे मैं 2 दिन से परेशान हो रहा हूँ, ये वाक आई एन जी से लिखी जाएगी, मैं दो दिन परेशान रहा हूँ, ये वाक हैज बीन और हैव बीन से लिख दीजिएगा। कैसे, आई हैव बीन इन ट्रबल, आई हैव बीन इन ट्रबल, ठीक 2 दिन, ठीक फॉर 2 डेज, मतलब 2 दिन से मैं परेशान रहा हूँ, और मैं 2 दिन से परेशान हो रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग इन ट्रबल ठीक फॉर 2 डेज। तो इस प्रकार से हम किसी रहा रही वाले वाक्य को हैंडल करते हैं। रहा रही वाले बात दो तरीके से आपको देखना है, यदि रहा रही के पहले क्रिया जुड़ी हो तो उसे आप आई एन जी से लिखिए, यदि क्रिया नहीं हो तो हैज बीन और हैव बीन से लिखिए। आगे चलते हैं हमारे अगले टेंस, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट, ये भी एक कॉमन वर्ब से बनते हैं। वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज जो है वो हम परफेक्ट टेंस में करते हैं। परफेक्ट का मतलब ये होता है पूर्ण, पूर्ण मतलब जो काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, उसे हम परफेक्ट टेंस से लिखते हैं। परफेक्ट टेंस को
बनाने के लिए तीनों प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म इसलिए ही डिजाइन किया गया था कि उसे हम परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करेंगे। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग परफेक्ट के साथ साथ पैसिव वॉइस में भी होता है। तो अभी फिलहाल अपन परफेक्ट टेंस में देखते हैं। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट लगाना है हेल्पिंग वर्ब। लेट्स इसलिए लिखिए क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर में तीनों पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट लगाना है हेल्पिंग वर्ब लगाना है वर्ब का थर्ड और ऑब्जेक्ट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब का यदि प्रेजेंट है तो हैज हैव लगा देना, यदि पास्ट है तो हैड लगा देना और फ्यूचर है तो आपको विल हैव लगा देना। शैल का यूज नहीं करना है। शैल हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से शैल को रिमूव कर दिया गया है। तो आप विल हैव लगाइए। अब इनको पहचानेंगे कैसे हिंदी में? इनकी पहचान बड़ी आसान है। चुका चुकी चुकी आपने पढ़ा ही होगा। तो चुका चुकी चुकी वाले वाक्य जो है हिंदी के वो परफेक्ट टेंस से लिखे जाते हैं। दूसरा, यदि कोई हिंदी वाक्य आ ई ए और है हो की मात्रा पर खत्म हो जाए, ठीक है। अगर कोई हिंदी वाक्य आ ठीक ई या ए, ये मात्रा ध्यान रखना, आ ई ए के बाद क्या आ जाए, है हो और हो। अब पास्ट आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, था थी और थे। और फ्यूचर होगा तो यहाँ पर मात्रा में हो जाएगा, होगा होगी और होंगे, है ना। तो अगर ऐसी मात्राएं भी मिले आपको तो वो भी परफेक्ट टेंस का हमें बोध कराता है। जैसे एक वाक्य मैंने लिखा, जैसे मैंने यहाँ लिखा राम आया, मैंने लिखा राम आया तो मैंने लिखा राम केम, क्लियर है। ये देखिए राम आया, अब ये आ पर खत्म है वाक्य, ठीक है। यहाँ पर आगे मैंने अभी इसमें ठीक है नहीं जोड़ा। अगर मैं अब लिख दूं कि राम आया है, अगर मैं अब लिख दूं राम आया है, मतलब आने का काम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये जो मात्रा है ये बता रही है कि अब हमें परफेक्ट टेंस का यूज करके अपना वाक्य लिखना पड़ेगा। कर्ता में हम क्या लिख देंगे, राम। अब राम कितने वचन है, एक, तो इसमें क्या आ जाएगा, हैज, और फिर क्या आ जाएगा, कम। तो राम has come, तो अब हमारा वाक्य हो गया राम has come। तो राम has come मतलब राम आ गया है, मतलब आने का काम हो चुका। राम आया, ये वाक्य बी टू से लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनेट है, इसमें काम की परिपूर्णता नहीं है। इसलिए ध्यान दीजिए, आइए इसी मात्राओं पर कोई वाक्य खत्म हो उन्हें वर्ब के सेकंड से बनाना है, और अगर उसके आगे है हूँ वो जोड़ने लगे तो आप चुपचाप उसे थर्ड से बना लीजिए। जैसे मैंने क्लास में पढ़ाया, अब मैंने क्लास में पढ़ाया आप अर्थात में वी टू से बना दीजिए, आई टॉट इन द क्लास। और मैंने क्लास में पढ़ाया है, मतलब पढ़ाने का काम मैंने कंप्लीट कर दिया। तो अब ये सब दिमाग में नहीं लाना है कि अपन क्या कर रहे हैं, पढ़ाने का काम कंप्लीट हो गया, मतलब मैंने पढ़ाया है, तो ये परफेक्ट टेंस में आप ले जाएंगे। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव, ठीक है। और ये पिछले वीडियो में मेरे मिल जाएगा कि कहाँ हैज हैव लगना है, कहाँ हैज हैव, आई हैव, और टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। तो आई हैव टॉट इन द क्लास, आई हैव टॉट इन द क्लास का मतलब मैंने क्लास में पढ़ाया है। जैसे मैंने लिखा, तो मैंने लिखा तो आई रोट, और मैंने लिखा है तो आई हैव रिटन हो जाएगा, क्लियर है। जैसे कल मैंने आपको स्पेशल स्ट्रक्चर सिखाया मतलब टॉट, और कल मैंने आपको स्पेशल स्ट्रक्चर सिखाया था, तो आप क्या लिख देंगे, आई हैड टॉट यू स्पेशल स्ट्रक्चर यस्टरडे। तो इस प्रकार से हम जब भी कोई भी बात आ ई ए है हो था थे होगा होगी पर खत्म हो या चुका चुकी पर भी हो, बात वही है। आप कॉन्स्टेंट मत हुआ करें किसी चीज को लेकर के। चुका चुकी चुकी वाले जो वाक्य होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, वो भी परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। जैसे वो भी यही बात है जो मैं दो तरीके से कह रहा हूँ, जैसे मैं 10वीं पास कर चुका हूँ और मैंने 10वीं पास कर ली, इसमें क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, बात एक ही है, भाव एक ही है, कार्य पूर्ण हो चुका है। तो मैंने 10वीं पास कर ली है का ट्रांसलेशन आई हैव पास्ड 10th क्लास, और मैं 10वीं पास कर चुका हूँ इसका भी ट्रांसलेशन क्या होगा, आई हैव पास्ड 10th क्लास, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, क्लियर है। तो आप ऐसे सेंटेंसेस को इनसे हैंडल कीजिएगा। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, हैज हैव के बाद नॉट लगा देना, ठीक है। मैं ज़्यादा टेंस को आपको टेंशन देके नहीं पढ़ा रहा हूँ, लाइट वे में पढ़िए, ठीक है। हैज हैव के बाद नॉट लगा, जैसे मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने खाना नहीं खाया है तो आई हैव नॉट ईटन फूड,
इतनी आसानी से, मैंने खाना खाया, आई हैव ईटन फूड, इतना बन गया। बहुत सारी बात, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में बैठ जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी और आप नहीं भूलेंगे। अब बात करते हैं हम अपने अंतिम अवस्था जो हमारी है वो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब कार्य शुरू हो चुका है और लगातार जारी है, इतना बस जानिए आप। स्पोकन इंग्लिश में टेंशन नहीं लेना कि कार्य शुरू हो चुका है कि जारी है कि अब चल रहा है, कुछ नहीं, हिंट्स पकड़िए। थोड़ी देर पहले आपने सीखा था कि रहा रही रही वाले बात ING से लिखे जाते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, ऐसे हिंदी के वाक्य जिनमें रहा रही रहे आए और उसमें समय जुड़ा हो से, काय से जुड़ा हो से, तो आपको वहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों को निर्मित करना है। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा कि मैं ठीक इंग्लिश में इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, क्लियर है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर पढ़ाने का काम जारी है, मैं अपनी एक्टिविटी को बता रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ क्या लिखूँगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ध्यान दीजिए, टेंस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें एक्टिव पैसिव भी पढ़ना है, इसलिए टेंस पढ़ना पहले ज़रूरी था। अब मैंने इसी वाक्य को लिखा कि मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, क्लियर है ये। तो अब यहाँ पर क्या अंतर आ गया दोनों वाक्यों में, यहाँ पहले वाक्य में आप देख रहे हैं कि मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मतलब एक्टिविटी को बता रहा हूँ, और मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ मतलब इंग्लिश पढ़ाने का काम शुरू हो चुका है और अब भी जारी है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। इससे कुछ नहीं आपको लेना, ये देखिए क्या देखना है आपको, बस पीछे रहा रही हूँ और यहाँ समय कोई भी जुड़ा हो से जुड़ा हो, ठीक आपको समझ जाना है कि हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अगर हूँ जुड़ा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, था जुड़ा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, और अगर होगा हो भी जुड़ा है तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, और कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लगा। अब इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दें, अब हम इसको रखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से। ध्यान दीजिए एक अच्छी बात, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बीन बजाना है, क्या बजाना है, बी, यानी जब भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाओ तो बीन जरूर बजाना है, बिना बीन के आपका कोई भी वाक्य परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनेगा। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन बजती है, इसको अच्छे से ध्यान रखना, बीन बजाते लो, ये बीन बज गई, आई हैव बीन, और अब पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीचिंग, है ना, देखो ये टीचिंग लिख गया, अब क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। अब यहाँ मुझे जोड़ना है सुबह से, अब आती है बात सिंस और फॉर की, जिसके पीछे आप पढ़े रहते हैं, सिंस कहाँ आता है फॉर कहाँ आता है, बहुत अल्लाह होता है, छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, आराम से सिंस फॉर लगा सकते हैं। सिंस का प्रयोग जो होता है, आइए पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूँ, अभी मैं यहाँ सिंस लगा देता हूँ, फिर मैं आपको सिंस फॉर सिखाता हूँ। ये देखिए वाक हो गया, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो अब लिखा जाएगा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए मैं लिख रहा हूँ आई एम राइटिंग, और मैं ठीक एक घंटे से लिख रहा हूँ, तो आई हैव बीन राइटिंग ठीक अब एक घंटे से फॉर वन आवर। अब आपको लगा ये फॉर आ गया, अभी सिंस आया था, चलिए फॉर सिंस पर आपको हम बताते हैं क्या होता है फॉर सिंस। सिंस आता पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, सॉरी, सिंस का प्रयोग आपको जब भी करना है समय के बिंदु को बताने के लिए किया जाता है, SINCE सिंस, ये काहे के लिए प्रयोग होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि निश्चित समय हो तब आप सिंस लगाइए, अनिश्चित समय हो तो फॉर लगाइए। तो भैया आपको बता दूं, समय को आप नहीं बता सकते कि कब निश्चित है और कब अनिश्चित है, समय अनंत है, हम इसकी निश्चितता और अनिश्चितता को नहीं प्रकट कर सकते, हम इसके बिंदु और इसकी अवधि को जरूर बता सकते हैं, क्लियर है। तो आज से ये कहना बंद कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए नहीं।
सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय के बिंदु को दर्शाने के लिए, और फॉर का जो यूज होता है वो होता है आपका, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि को दर्शाने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम दर्शाता है कौन, फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम दर्शाता है सिंस। ये तो बात हो गई बताने की। अब आप कहेंगे सर हम कैसे तय करें परीक्षा में कहाँ सिंस कहाँ फॉर लगाना है। हम जब स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं, वेन एवर वी स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश देन हाउ वी कैन डिसाइड दैट वी हैव टू यूज सिंस और फॉर। ये भी सरल है बड़ा, मैं आपको सिखाता हूँ। तो इतना तो आप सीख गए होंगे कि अब सिंस के, हाँ, दोनों का अर्थ होता है समय के साथ जब से शब्द जुड़ा हो, सुबह से, दो दिन से, 14 साल से, 15 महीने से, 2 घंटे से, 1 मिनट से जुड़ा हो और समय जुड़ा हो, तो अंग्रेजी ऐसे शब्दों को सिंस और फॉर और फ्रॉम से भी लिखती है। फ्रॉम से कब लिखेगी ये भी हम आपको सिखाएंगे, फिलहाल सिंस और फॉर का आप देख लीजिए। तो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब एक गुरु मंत्र, थोड़ा सा गुरु मंत्र दे रहा हूँ ध्यान से। जब भी आप किसी भी समय को शब्दों से लिखें, सभी जगह लागू नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान से अपन करेंगे काम तो सब सही होगा। जब हम समय को शब्दों से व्यक्त करेंगे तब वहाँ पर हमें सिंस लगाना है। देखिए कैसे, जैसे मैंने लिखा मनीष एक हैज बीन, टीचिंग इंग्लिश, मनीष अंग्रेजी पढ़ा रहा है। अब मैंने यहाँ पर ब्लैंक लगाया और लिखा यहाँ पर मैंने क्या, सुबह से, यहाँ लिख दिया मॉर्निंग, ठीक। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 आवर्स, फिर मैंने लिख दिया 15 डेज, फिर मैंने लिख दिया कि 9 o'clock, है ना। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि जनवरी, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया कि दिवाली, सॉरी, यहाँ मैंने लिख दिया दिवाली। ये देखिए मनीष इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो मनीष हैज बीन टीचिंग इंग्लिश। अब लिखा है मॉर्निंग, जनवरी और दिवाली। ये देखो समय काय से लिखा है, शब्दों से लिखा है, इसके आगे कोई अंक नहीं है ना, इनमें चुपचाप क्या भर दो आप, सिंस लगा दो। लगा दिया सिंस। अब यहाँ देखिए 2 महीने से, 15 दिन से और 9 o'clock। 2 महीने ये अंकल है, 2 घंटे ये क्या लिखा है, आवर्स के आगे 2, बेस के आगे क्या लिखा, 15, अंक लिखे है ना, तो अंक लिखी हूँ तो आपको क्या लगा देना है, फॉर। और इसमें आप अब देखिए रुक करके, मैंने कहा ना सभी जगह नहीं ऐसा करना, आपको जब भी ओ क्लॉक से समय दिया हो, काय से जो दिया हो, ओ क्लॉक से, मिनट में दिया हो, सेकंड में दिया हो, आवर्स में दिया हो, वो बात अलग है, डेज में दिया हो, मंथ्स में दिया हो, ईयर्स में दिया हो, वो डिजिट से दर्शाया जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट टाइम जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो ओ क्लॉक से दर्शाया जाता है। इसलिए आप इस 9 को ना देखते हुए क्या भरेंगे, सिंस का प्रयोग कर देंगे, क्लियर है। तो यहाँ आप सिंस का प्रयोग कर देंगे 9 o'clock के पहले। अब ध्यान दीजिए सिंस का आएगा शब्दों के लिए, तो मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग, सिंस लगा दीजिए। मंडे है, संडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, सब में सिंस लगा दीजिए, ठीक है। दिवाली है, दशहरा है, फेस्टिवल के नाम है, चाइल्डहुड है, यंग एज है, ओल्ड एज है, ये सब शब्दों में समय आ रहा है। लास्ट डे है, लास्ट नाइट है, लास्ट जुड़ा हो तो आपको हमेशा क्या लगा देना है, ठीक है, लास्ट शब्द आए तो आपको सिंस लगा देना है, जैसे लास्ट 2 डेज, ठीक है, तो लास्ट शब्द आए तो आपको सिंस लगा देना है, ठीक है। तो आपको अपने आप पॉइंट ऑफ टाइम चला जाएगा, बस ध्यान रखना है सेंचुरी, और यदि समय ओ क्लॉक से दिया है, सेंचुरी और समय ओ क्लॉक से दिया है तो आपको सिंस लगाना है बस, बाकी फिर आपको फॉर लगाते जाना है। जैसे मैंने कहा मैं 2006 से पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। अब मुझे बोलना है 2006, ये क्या है, एक सेंचुरी बता रहा हूँ मैं, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा हूँ, तो मैं लगाऊंगा 2000, सिंस 2006। अब आप कहेंगे सर अभी आप कह रहे थे कि अंकों के पहले,
फॉर लगा दीजिए, तो 2006 अंक नहीं है, ठीक है, एक पूरा का पूरा है सेंचुरी, तो सेंचुरी के आगे सिंस, और ओ क्लॉक से समय हो तो उसके आगे सिंस, बाकी सारे शब्दों के पहले सिंस। जैसे मैंने कहा कि मैं ठीक बचपन से ही अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, अब मुझे लगना बचपन शब्द सिंस, लगा करके अपन क्या लगा देंगे, सिंस चाइल्डहुड, जैसे मैंने कहा कि मैं रविवार से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, खालिस्तान, संडे लिखा, संडे क्या वर्ड है, शब्द है, शब्द के आगे लगा दो सिंस, ठीक। और मैंने कहा मैं 3 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, फॉर 3 डेज, मैं 3 महीने से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, फॉर 3 मंथ्स, मैं 12 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 12 ईयर्स, क्लियर हो गया। तो ऐसे आप सिंस ऑफ फॉर को आसानी से लगाइए। सिंस ऑफ फॉर का अच्छा एक गाना और वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा है, मैंने गाना गा के सिंस फॉर सिखाया, आप देख लीजिएगा, आप पे बनेगा। तो ये टेंस कौन सा हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी यहाँ टेंस की सारी 12 अवस्थाएं खत्म हो गई। अब ध्यान देना, आप कहीं सर आपने नेगेटिव नहीं पढ़ाया, आपने इंटरोगेटिव नहीं पढ़ाया, नेगेटिव और इंटरोगेटिव पढ़ाए नहीं, समझे जाते हैं, जहाँ जहाँ सहायक क्रिया है उसके बाद आप लगाकर नॉट लगा करके नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे मैं ठीक 3 दिन से खाना नहीं खा रहा हूँ, तो आई हैव नॉट ईटिंग फूड, ठीक 3 दिन आगे डिजिट और डे आगे, तो फॉर 3 डेज, तो ये आसानी से नेगेटिव बन गया। अगर आपको बोलना है क्या आगे लगाकर, तो उस पर साइक्रिया को आगे ले जाइए, ठीक है, क्या वाई क्लास में 2 महीने से नहीं आ रहा है, तो हैज ही नॉट बीन कमिंग स्कूल, ठीक है, इन द क्लास आप 3 महीने से या 2 महीने से, तो फॉर 2 मंथ्स या फॉर 3 मंथ्स, और क्वेश्चन का साइन लगा दीजिए, ये आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो ये हमारे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यहाँ पर खत्म हो गया। इन सारे टेंसेस को लिख लीजिएगा और लिस्टेड कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपको एक्टिव से पैसिव पढ़ाने जा रहे हैं, तो एक्टिव पैसिव कैसे बनते हैं, कैसे हम उन्हें ट्रांसफॉर्म करते हैं एक्टिव से पैसिव, ये सारी चीज़ें आपको अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रैक्टिस जरूर करिएगा सेंटेंसेस की, थैंक यू।